माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, जो कि आपका यह प्रश्न सॉल्व जो करवाऊंगा वह ट्रिक्स मेथड पर होगा। तो ट्रिक मेथड से आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका समय बच सकता है और यह समय दूसरे प्रश्नों को हल करने में यूज कर सकते हैं। तो आइए यहां से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दिया गया है कि यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, किलोमीटर पर हावर से चलता है, और दूसरी बार 5 किलोमीटर पर हावर से चलता है। तो देखिए, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर हावर। ये देखिए एलसीएम निकालना है यहाँ पर, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए, यहाँ पर -5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि आप 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मीन्स +10। ये देखिए, ये मिनट में दिया गया है, इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पर हावर में बात हो रही है, आवर में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे, किसमें हो गया? घंटा। यहाँ भी 60 से भाग दे देंगे, क्या हो गया? एक घंटे में हो गया। अब देखिए, यहाँ से कुल समय कितना लगा? देखिए, यहाँ से इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 + 10 / 60। यहां देखिए माइनस है, इस माइनस को नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस प्लस करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, यहां से जोड़ रहे होंगे 15/60, तो 15 × 60 1/4 घंटे, 1/4 घंटे। अब हमसे पूछ रहा है कि स्कूल से घर की दूरी कितनी है। तो देखिए, यह समय है और यह चाल है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया गया है? 20 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है? 1/4 आवर। यहां से देखिए, आवर से आवर कैंसिल, यहां से 20 × 100, 5 किलोमीटर। स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए यहाँ से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुँचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या है? तो यहाँ से देखिए, प्रश्न 80 CHSN में पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है? दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर से जब चलता है तो वह 6 मिनट विलंब हो जाता है, और दूसरी बार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए, 6 मिनट की देरी करता है तो 6 - 6 कर दीजिए, ये मिनट में है, और यहाँ पर +6, और यहाँ देखिए
पहले तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक 20 होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसका इसका एलसीएम निकालना है, तो यहां पर एलसीएम हो गया। अब देखिए इसको हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्या हो गया घंटा, ये भी 60 से भाग दिए मिनट को, क्या हो गया घंटा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, ये माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, यहां से इसके बीच की दूरी कितना हुई 6/60 प्लस 6/60, तो कितना हो गया 12/60, तो 12/60 1/5, 1/5 क्या आ गया टाइम आ गया यहां पर, और हमसे पूछ रहा है क्या होगा ये घंटे में, हमसे पूछ रहा है कि दूरी कितना होगी, तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर देखिए चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड विथ 1/5 आवर, आवर से आवर कैंसिल, यहां पर भाग देंगे 4 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर दूरी कितनी होगी उसके घर से विद्यालय की 4 किलोमीटर, यही आपका आंसर है, आपका ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गति का कितना है 3/4 है, तो देखिए यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है, तो देखिए इस ट्रिक को अपनाइए, समय इज इक्वल टू, यहां से देखिए इस 3 को लेंगे और कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो यहां 20 का गुणा कर दीजिए, 20 60 मिनट कितना होगा, समय कितना लगेगा 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 1 घंटा, 60 मिनट में कितना घंटा होता है 1 घंटा, यहां पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये देखिए दोस्तों, अगर यह प्रश्न को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर रेशियो जो 3/4 दिया है ये रेशियो 2/3 हो सकता है, मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए 1 का होना चाहिए, तभी इस तभी इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 4 है। यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 कर देता है तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है, तो वह आदमी वही दूरी अपनी सामान्य गति से कितने घंटों में तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अनुपात दिया गया है 2:3, तो हमसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो समय इज इक्वल टू, यहां से देखिए यहां से लेंगे ऊपर वाला 2, यहां पर आंसर लेंगे 2, और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक निर्धारित दूरी चलने में 1 घंटा अधिक लगता है, मीन्स टाइम कितना है 1 घंटा, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 घंटा, यहां पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching this video. Have a nice day.